नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास बुलेटिन पांच शहर पांच खबर में। आज हम आपको दिखाएंगे दिन भर की पांच बड़ी खबरें। कुछ देर में आपके टीवी स्क्रीन पर उन खबरों से जुड़ी पांच तस्वीरें भी नजर आएंगी। पहली तस्वीर होगी संसद सत्र के हंगामे की, दूसरी तस्वीर राहुल गांधी के कर्नाटक की जनता के बीच किए गए वायदों और केंद्र प्रदेश पर किए गए हमले की, तीसरी तस्वीर प्रयागराज में अतीक के शूटर के घर पर हुए बुलडोजर अटैक की, तो पांचवी तस्वीर होगी नियोजन नीति को लेकर झारखंड में मचे सियासी बवाल की। तो चलिए करते हैं। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का दूसरा सप्ताह सोमवार से शुरू हो गया है। संसद के सदन में विपक्ष की रणनीति क्या हो, इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में विपक्षी दलों के सांसदों की बैठक हुई, जिसमें रणनीति पर मंथन किया गया। हालांकि संसद के दोनों सदनों में सुबह 11 बजे जब कार्यवाही शुरू हुई, तब साथ ही हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही पहले 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई, उसके बाद 21 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से सीधे राहुल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, देखिए एक बार फिर से जो है हफ्ते के पहले दिन यही देखने को मिला जो पिछले 7 दिन संसद में देखने को मिला था। बिल्कुल स्वीटी, वही हंगामा, वही विरोध प्रदर्शन, वही नारेबाजी, वही तख्तियां लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर। जिस दिन से संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हुई है, हर दिन यही देखने को मिल रहा है। 11 बजे संसद की कार्रवाई शुरू होती है, कुछ देर हंगामा होता है, स्थगित हो जाती है, 2 बजे फिर कार्रवाई शुरू होती है और फिर हंगामा होता है और कार्रवाई स्थगित करनी पड़ती है। ना सत्तारूढ़ दल बीजेपी के सांसद मानने को तैयार है, ना ही विपक्ष पीछे हटने को तैयार है। जहां बीजेपी राहुल गांधी के विदेश में दिए बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है, राहुल गांधी से संसद में माफ़ी की मांग कर रही है, वहीं विपक्ष JPC के गठन की मांग पर अड़ा हुआ है। पूरा विपक्ष पुरजोर कोशिश कर रहा है कि केंद्र सरकार झुके और JPC के गठन का फैसला लिया जाए, और यही दोनों वजह हैं कि सदन की कार्रवाई स्थगित लगातार हो रही है। उस पर होने वाला करोड़ों का खर्चा नाहक ही बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है, और ना विपक्ष मानने को तैयार है और ना ही सत्तारूढ़ दल BJP के सांसद। जी देखिए, विपक्षी तरफ से लगातार बैठकें भी हो रही है और रणनीति भी तैयार हो रही है किस तरीके से सरकार का घेराव किया जाए। राहुल, आज भी अगर जो बयान आए हैं अगर आपने देखा हो तो विपक्षी दलों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि सरकार राहुल गांधी को लेकर जो बखेड़ा खड़ा कर रही है उसके पीछे उनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ अडानी स्कैम को दबाने की है, JPC की जो विपक्ष की मांग है उसे दरकिनार करने की है। दूसरी तरफ BJP की तरफ से आज विवादित बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाली साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का एक और बयान सुनने को मिला। उन्होंने राहुल गांधी को घेरते हुए ना सिर्फ जबरदस्त हमले बोले बल्कि विवादित एक बयान भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो विदेशी महिला के बेटे हैं और चाणक्य भी कहते हैं कि विदेशी लोग गलतियों पर क्षमा नहीं मांगते, माफ़ी नहीं मांगते। तो इस तरह का एक विवादास्पद बयान भी स्वीटी आज देखने को मिला साध्वी प्रज्ञा का। तो कुल मिलाकर हालात जस के तस हैं। जिस दिन से संसद की कार्रवाई शुरू हुई है उस दिन से ही ना सिर्फ संसद में हंगामा चल रहा है, लगातार विपक्षी दलों की हर दिन बैठकें भी होती हैं, उसमें नई तरीके से रणनीतियाँ भी बनाई जाती हैं। JPC पर चर्चा के लिए नोटिस भी तमाम पार्टियों की तरफ से दिए जाते रहे हैं, लेकिन स्थिति ढाक के तीन पात है। न विपक्ष अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार है और ना ही BJP के सांसद राहुल गांधी के माफी मांगने से पहले संसद की कार्रवाई चलने देना चाहते हैं। जी बिल्कुल, लगातार 7-8 दिनों से यही देखने को मिल रहा है दोनों सदनों में। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस को कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 से काफी उम्मीदें हैं, जिसको लेकर पार्टी जोर शोर से तैयारियां शुरू कर चुकी है। इसी सिलसिले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कर्नाटक पहुंचे और राज्य के लिए कई बड़ी घोषणाओं का ऐलान किया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने यहाँ पहली रैली की और कहा कि कर्नाटक सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है, कुछ भी करवाना हो तो 40% कमीशन देना पड़ता है। ये देश किसी का नहीं है, अडानी का नहीं है, देश गरीबों और किसानों का है।
ज्यादा जानकारी के साथ दिनकर आनंद सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनकर, देखिए अब कांग्रेस जो है कर्नाटक में एक्टिव हो चुकी है, जिस तरीके से चुनाव आने वाला है उसको लेकर। दिनकर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। दिनकर, देखिए कर्नाटक अब एक्टिव होती हुई नजर आ रही है, चुनाव जिस तरीके से आने वाले, और इसी संदर्भ में जो है आज राहुल गांधी की रैली कर्नाटक में हुई, क्या कुछ अपडेट है? जी स्वीटी, सबसे पहले बता दूं कि राहुल गांधी आज कर्नाटक में चुनावी रैली को तो उन्होंने संबोधित किया ही, साथ ही साथ युवा समागम क्रांति समारोह का उन्होंने उद्घाटन किया। इस दौरान राहुल गांधी जमकर बीजेपी पर बरसे और चुनावी वादा कर्नाटक के युवाओं से किए। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार यहाँ बनती है तो 10 लाख रोजगार दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने पार्टिकुलर क्लियर वे में बताया कि 2.5 लाख सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। वहीं एक बार फिर से, जैसा राहुल गांधी हमेशा करते हैं, उनकी जुबान इस बार भी फिसली। उन्होंने 200 बिजली यूनिट फ्री देने के बजाय उन्होंने 2000 यूनिट कह दिया, जिसको लेकर फिर से सोशल मीडिया टीम एक्टिव हो गई है बीजेपी की और राहुल गांधी पर वॉर कर रही है। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने बीजेपी की कर्नाटक की सरकार को देश का सबसे भ्रष्ट सरकार बताया है। उन्होंने कहा कि यहाँ हर काम के लिए 40% कमीशन दिया जाता है। राहुल गांधी ने अपने वक्तव्य के दौरान अपने भारत जोड़ो यात्रा के कुछ संस्मरण को भी याद किया। उन्होंने कहा कि जब उनकी भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक से होकर गुजर रही थी तो उनसे काफ़ी सारे युवा मिले। उन्होंने कहा कि चाहे आप MBBS कर लो, डॉक्टरी कर लो, आप इंजीनियरिंग कर लो, कर्नाटक में अगर आप हो तो आपको नौकरी नहीं मिल सकती। यहाँ कोई भी डिग्री लेकर आ जाओ, यहाँ की सरकार रोजगार देने में असमर्थ है। स्वीटी जी, अगर बात कर ली जाए कर्नाटक की, तो देखिए एक वो दौर था, एक वो वक्त था जब कांग्रेस जो है उसका गढ़ कहा जाता था कर्नाटक। धीरे धीरे कैसे कर्नाटक के कांग्रेस के हाथ से कर्नाटक फिसलता गया दिनकर? जी स्वीटी, लेकिन आज भी कर्नाटक उन राज्यों में बेशुमार है जहां कांग्रेस काफी मजबूत है। आपको बता दें कि जब 2018 में विधानसभा चुनाव हुए तो 224 सीट वाले कर्नाटक में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें आई, 104 सीटों के साथ बीजेपी नंबर एक पर रहे, लेकिन 9 सीटों की कमी के वजह से बीजेपी सरकार नहीं बना पाई। हालांकि येदियुरप्पा ने शपथ लिया, उसके बाद उनके इस्तीफा भी हुई। कांग्रेस ने करीब 80 सीट जीती, वहीं HD देवगौड़ा की पार्टी JDS ने 37 सीटें जीती। हालांकि उसके बाद भी कांग्रेस और JDS की सरकार बनती है, फिर कैसे वहां पे गठबंधन टूटता है, कैसे बीजेपी सरकार में आती है, ये जग जाहिर है। लेकिन उसके इतर अगर इस बार देखें तो कांग्रेस को उम्मीदें कर्नाटक से ज्यादा हैं, क्योंकि कांग्रेस के कुछ आंतरिक सर्वे बता रहे हैं कि कांग्रेस कर्नाटक में इस बार 130 से 140 सीटें लाने में पॉसिबल हो सकती है। इसी कारण से आप देख सकते हैं कि बीजेपी ने वहां संकल्प यात्रा निकाली है, वहां पे गृहमंत्री अमित शाह, JP नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कर्नाटक में रैली कर रहे हैं। और कई मायनों में कर्नाटक इसलिए अहम है क्योंकि लोकसभा चुनाव को देखें तो कर्नाटक से अकेले 25 सीटें आती हैं, और जहां कांग्रेस भी मजबूत है और बीजेपी साउथ में अपने आप को एक्सपेंड करना चाह रही है, और कर्नाटक ही वो राज्य है जहां बीजेपी की अभी सरकार है साउथ में, तो इस लिहाज से कर्नाटक बहुत अहम हो जाता है। स्वीटी जी, बिल्कुल, इन चुनावों को देखते हुए कांग्रेस भी अब एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद दिनकर तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज में दिन दहाड़े हुए उमेश पाल मर्डर केस के आरोपी शूटर गुलाम पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने एक्शन लिया है। अतीक के शूटर उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी गुलाम के प्रयागराज के रसूलाबाद स्थित घर को बुलडोजर ने ढा दिया। आरोपी शूटर गुलाम पर योगी सरकार ने 5 लाख रुपए का इनाम रखा है। जब टीम ने आरोपी के घर को मिट्टी में मिलाया तो इस दौरान उसके घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रही। रसूलाबाद इलाके में बना यह मकान 335 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ था, जिसे सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाया गया था। इसका विकास प्राधिकरण से नक्शा भी पास नहीं कराया गया था। आरोपी गुलाम के इस मकान के लिए 13 मार्च को ही ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया गया था। बता दें उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा यह पूरा मामला है, तो शूटरों की तलाश लगातार हो रही है। शूटरों के घर गिराने का भी काम लगातार प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। एक बार फिर से इसी संदर्भ में गुलाम का घर भी गिराया जा चुका है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से ध्वस्तीकरण का काम बुलडोजर के द्वारा जारी है। वहीं बता दें कि गुलाम की माँ ने कहा है कि अगर मेरे बेटे का एनकाउंटर हो जाए तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, बल्कि उनकी लाश को भी मैं नहीं लूंगी, उसका चेहरा भी नहीं देखूंगी। तो वहीं उसके भाई की तरफ से कहना है कि हम पूरा सहयोग देंगे, पुलिस की मदद में जितना जानकारी हमारे पास रहेगी हम पुलिस को देंगे। तो ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं जो सीधे प्रयागराज से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गुलाम का घर जो है
वो ढाता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें 335 वर्ग मीटर में ये घर फैला हुआ है और इसी के साथ जानकारी दे दें कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके मकान बनाया गया, जिसके बाद से लगातार प्रशासन का एक्शन जो है वो जारी है। तो बुलडोजर घर को ढाने की कोशिश में लगा हुआ है लगातार, और सीएम योगी का मिट्टी में मिलाओ अभियान भी लगातार जारी है। इस तस्वीरों के माध्यम से साफ नजर आ रहा है किस तरीके से एक्टिव होती हुई नजर आ रही है प्रयागराज पुलिस। शोएब रिजवी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, देखिए तस्वीर साफ तौर पर बता रही है कि मिट्टी में मिलाओ अभियान अभी भी जारी है सीएम योगी का। बिल्कुल, निश्चित तौर पर पीडीए ने आज बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं इस पूरे मामले में। जो आरोपी है गुलाम, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बाकायदा इस शूट हाउस में उस वक्त मौजूद था जब पुलिस जब उमेश पाल पर हमला किया गया था, तो ये इसमें शामिल था। और आज पीडीए ने उसके जो पुश्तैनी मकान है बाकायदा बुलडोजर की कार्रवाई की, और उत्तर प्रदेश सरकार की जो मिट्टी में मिलाओ अभियान है कहीं ना कहीं उसको सरगर्म करते हुए दिख रही है। बाकायदा बड़ी संख्या में पुलिस की टीम वहां पर मौजूद थी, पीडीए के अधिकारी मौजूद थे। ये पुश्तैनी मकान है गुलाम का, बताया जा रहा है कि इस मौके पर उनकी जो माँ है वो और उनका एक भाई जो कभी बीजेपी में अल्पसंख्यक मोर्चे में पदाधिकारी था वो मौजूद था। उसने हालांकि ये जरूर कहा है कि इस पूरी घटना के बाद वो ये चाहते हैं कि जो भी आरोपी उसको सख्त से सख्त सजा मिले। सीधे तौर पर उन्होंने गुलाम के बारे में भी कहा है कि अगर वो आरोपी है तो उसे भी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हाँ, इतना जरूर उन्होंने कहा है कि पूरे मामले में ये जरूर देखना चाहिए कि उससे जुड़े जो परिवार के लोग हैं उनके साथ अन्याय न हो। फिलहाल पीडीए ने आज ये कार्रवाई करते हुए कहा है, साफ किया है कि चूंकि ये सरकारी जमीन पर था, इसका नक्शा पास नहीं था और इसलिए ये कार्रवाई की जा रही है। ये पीडीए की एक बड़ी कार्रवाई आज की गई है। सीधे तौर पर जो FIR में आरोपी बनाए गए हैं, जो घटना में दिखाई दे रहे हैं, उसके मकान को जमींदोज किया गया और मिट्टी मिलाया गया। जी बिल्कुल, पीडीए की एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। लेकिन शोएब, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि किस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है जिसको लेकर लगातार बुलडोजर जो है तमाम आरोपियों के घर पे गरज रहा है। अभी तक कितने आरोपियों के घर पे बुलडोजर इसके तहत चल चुका है, क्या अपडेट है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए आप सीधे तौर पर ये साफ है कि जो भी पूरी घटनाक्रम में लोग शामिल थे उनको चिन्हित किया गया है और उनकी बाकायदा लिस्ट बनाई गई है। उसमें जहाँ SPF और पुलिस अपना अलग काम कर रही है, पीडीए के जो अधिकारी हैं वो उनके संबंधित कागजात को चेक कर रहे हैं और ऐसे में वो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नियम है उसके विपरीत तो नहीं है। और यही वजह है कि पीडीए ने कई लोगों की लिस्ट बनाई है और उसमें खासतौर से टॉप पर उन लोगों को रखा गया जो सीधे तौर पर इस मामले में जुड़े हुए हैं, जिनके खिलाफ FIR है। साथ ही साथ इसके मददगारों की भी लिस्ट बनाई गई है। उसी कड़ी में 4 मकान इससे पहले गिराए गए थे, लेकिन आज सीधे तौर पर पीडीए ने गुलाम जो इसमें पूरा तरीके से आरोपी है उसके मकान को जमींदोज किया गया है। और आने वाले दिनों में जो लिस्ट बनी है उसमें जो और नाम है उन पर भी कार्रवाई देखने को मिलेगी। फिलहाल इस तरह की कार्रवाई से सीधा संकेत है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मिट्टी मिलाने की बात माफियाओं के बारे में कही थी वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, और यही वजह है कि इस तरह की कार्रवाई अभी आने वाले दिनों में और देखने को मिलेगी। जी, लगातार सीएम योगी का माफियाओं को मिट्टी में मिलाओ का अभियान जारी है, तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में राव रेवेन्यू कोर्ट से पूर्व डिप्टी सीएम की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ गई है। फिलहाल दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम शराब घोटाले के मामले में 22 मार्च तक के लिए ईडी की रिमांड पर है। बता दें कि सोमवार को दिल्ली के राव रेवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले की CBI से जुड़े मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है उनकी तरफ से। इससे पहले 17 मार्च को राव रेवेन्यू कोर्ट में पूर्व डिप्टी सीएम की ईडी रिमांड को 5 दिन और बढ़ाने का फैसला लिया गया था। खास बात यह है कि दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया को सबसे पहले सीबीआई ने करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। ज्यादा जानकारी के साथ नितिन चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, देखिए लगातार मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर से उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है, और क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए स्वीटी, बिल्कुल जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की जो न्यायिक हिरासत है वो 14 दिन की बढ़ा दी गई है, 3 अप्रैल तक ये न्यायिक हिरासत में रहेंगे। लेकिन बता देंगे आपको, इससे पहले भी मनीष सिसोदिया पे CBI ने पूछताछ करी थी, तो CBI ने उसकी जो रिमांड थी 7 दिन की मांगी गई थी। उसके बाद में CBI जब 7 दिन की रिमांड खत्म होती है तो फिर उसके बाद ED जो है अपनी पूछताछ को लेकर आ जाती है, तो ED ने भी 7 दिन की रिमांड जो मांगी थी उस रिमांड में भी जो मनीष सिसोदिया से पूछताछ की गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से 22 मार्च को मनीष सिसोदिया की जो ED से पूछताछ के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, तो
उसको देखते हुए जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मनीष सिसोदिया से वार्ता कराई गई थी, लेकिन उसके बाद में ही अब दोबारा से मनीष सिसोदिया की मुश्किलें दोबारा बढ़ गई। 14 दिन की जो हिरासत है वो दोबारा से बढ़ा दी गई है, लेकिन उसके बाद ईडी भी ने जो है उनसे पूछताछ की। ईडी ने यही आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया जो है जाँच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहीं सीबीआई भी अपना आरोप यही लगा रहे कि मनीष सिसोदिया की जो है सीबीआई के साथ में भी जाँच में सहयोग नहीं करे, क्योंकि पहले मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा था कि मनीष सिसोदिया से जो है आधे आधे घंटे ही पूछताछ की जाती है। ईडी जो है जेल के अंदर उनसे पूछताछ करने पहुंचती है तो 12 घंटे में से आधे घंटे ही उनसे जो है पूछताछ करती है, लेकिन उसके बाद मनीष सिसोदिया को प्रताड़ित किया जाता है। उन जो दिमागी में मेंटली डिस्टर्ब हुए हैं तो उसी को देखते हुए उनके जो वकील हैं वो दलीलें देते रहे हैं, लेकिन उसी के बाद अब मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें काफ़ी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जी देखिए, पहले सीबीआई ने पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार किया था, फिर ईडी ने पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार किया था, और अब आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत उनकी बढ़ गई। यानी दूर दूर तक कहीं भी मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। लगता है कि बहुत दिन तक वो जेल में रहने वाले हैं। क्या लगता है? बिल्कुल, जिस तरीके से अब दोबारा से 14 दिन की जो हिरासत है मनीष सिसोदिया की बढ़ा दी गई है, तो उसको देखते हुए मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं काफ़ी बढ़ रही हैं, क्योंकि पहले सीबीआई के द्वारा उनसे सवाल जवाब कराए जा रहे थे। सीबीआई ने भी आरोप लगाया था कि मनीष सिसोदिया जो है जाँच का सहयोग नहीं दे रहे हैं, और उसी के बाद जब सीबीआई की जो जाँच की पूरी कंप्लीट हो जाती है, तो लेकिन सीबीआई का कहना है कि अभी जाँच पूरी कंप्लीट नहीं हुई। जिस तरीके से आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया से सीबीआई ने अपने दफ्तर में आके बुलाया गया था, उनसे पूछताछ की गई थी, तो कि जिस तरीके से आबकारी नीति मामले में कितने घोटाले हुए, उन घोटालों के बारे में जो है मनीष सिसोदिया से पूछताछ की जा रही थी, तो लेकिन उसके बाद उनके घर पे भी जो है छापेमारी की जा रही थी आबकारी नीति मामले को लेकर। उनके घर के जो बैंक्स हैं, लॉकर हैं, वो सारे खंगाले गए थे सीबीआई के द्वारा, तो लेकिन उसके बाद जब मनीष सिसोदिया सीबीआई के ऑफिस जाते हैं, दफ्तर में जाके जो है पूछताछ करने के लिए पहुंचते हैं, तो उससे पहले मैं सीबीआई उनसे सवाल जवाब करती है, लेकिन उसके बाद ईडी की बात की जाए तो ईडी उनसे जेल में ही पूछताछ कर रही है। कहा जा रहा है कि ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया के आरोप लगाया कि मेरे से जो है आधे घंटे ही जो है पूछताछ से ईडी करती है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से अब दोबारा से आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मनीष सिसोदिया को राहुल जी एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, तो उसमें जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उनकी जो हिरासत है वो दोबारा से बढ़ा दी गई है, 3 अप्रैल कर दी गई है, क्योंकि पहले 22 मार्च में जो है उनकी जो ईडी पूछताछ करने के बाद जो जमा थी, इनकी ईडी पूछताछ कर रही थी 22 मार्च तक के लिए उन्हें जो है कोर्ट में पेशी के लिए बात कही जा रही थी, लेकिन अब दोबारा से जो है रिमांड जो है उनकी 13-14 दिन की दोबारा हिरासत बढ़ा दी गई, 3 अप्रैल कर दी गई है। जी बिल्कुल, तो लगातार मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, कम होने तक नहीं दिख रही। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड में नियोजन नीति का मामला हर दिन तेज होते जा रहा है। राज्य की विपक्षी पार्टी बीजेपी और आजसू पार्टी ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुखरता से इस मुद्दे पर अपना विरोध दर्ज कराया है। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से इस बात को लेकर वादा किया गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मुद्दे पर सदन के अंदर अपना जवाब देंगे। इसके बाद हो रही देर को लेकर विपक्ष विरोध दर्ज कराने में पीछे नहीं हट रहा है। तो नियोजन नीति को लेकर लगातार झारखंड में संग्राम मचा हुआ है, और वहीं सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया था कि सीएम जो है खुद इस मुद्दे को उठाएंगे और सीएम खुद इस पे जवाब देंगे सदन में, लेकिन देखिए देर होती जा रही है, जिसकी वजह से विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर हमलावर है और सदन में लगातार संग्राम जो है वो जारी है नियोजन नीति को लेकर। तो तस्वीरें हम आपको सीधे झारखंड के से साझा कर रहे हैं, जहां पर नियोजन नीति को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। सरकार की तरफ से सिर्फ कहना है कि हम आपको जवाब देंगे सदन में नियोजन नीति को लेकर, लेकिन अभी तक कोई जवाब सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है, जिसको लेकर झारखंड में लगातार बवाल उठता जा रहा है और संग्राम लगातार जारी है। तो तस्वीरें साफ तौर पर बता रही है कि किस तरीके से नियोजन नीति पर सियासत कितनी गरमाई हुई है झारखंड में, और किस तरीके से सत्ता पक्ष अभी चुप्पी साधा हुआ है नियोजन नीति को लेकर, वहीं विपक्ष जो है लगातार हमलावर है नियोजन नीति को लेकर। ये तस्वीरें भी आपको सीधे वहां के विधानसभा भवन से बता रहे हैं। तो सदन में लगातार संग्राम जारी है, जिस तरीके से तस्वीरें वहां से सामने आ रही है साफ तौर पर नजर आ रहा है किस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर है सरकार के ऊपर। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही, बाकी की जानकारी के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।